मौसम बदल रहा है, कई शहरों में अभी भी बारिश हो रही है। इस बदलते मौसम से डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेजी से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और कई मरीजों की मौत भी हो गई है। सरकार की ओर से कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डेंगू के बारे में सब जानते हैं कि ये मच्छर के काटने की वजह से होता है और इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग डेंगू और सामान्य बुखार में अंतर नहीं कर पाते हैं और स्थिति बेकाबू हो जाती है। कई बार डेंगू होने के बाद इसे सामान्य बुखार माना जाता है और लोग इसका इलाज नहीं करवाते हैं, जिससे दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से डेंगू के बुखार और सामान्य बुखार में अंतर किया जा सकता है और इसके बारे में जानकर आप समझ जाएंगे कि आपको डेंगू बुखार है या नहीं। इसके बाद आप उसके हिसाब से इलाज करवा सकेंगे। आइए जानते हैं दोनों बुखार में क्या अंतर होता है और ये डेंगू क्या होता है और कैसे होता है। जिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है उस मच्छर का नाम होता है मादा एडीज मच्छर। अगर इस मच्छर के दिखने की बात करें तो ये दिखने में भी सामान्य मच्छर से अलग होता है और इसके शरीर पर चीते जैसी धारियां बनी होती हैं। इस मच्छर के पैर पर सफ़ेद रंग की धारियां बनी होती हैं। माना जाता है कि ये मच्छर अक्सर रोशनी में ही काटते हैं और सुबह के वक्त इनके काटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर रात में रोशनी ज़्यादा है तो भी ये मच्छर काट सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एडीज एजिप्ट मच्छर बहुत ऊँचाई तक नहीं उड़ पाता और इंसान के घुटने के नीचे तक ही पहुँच पाता है। अब जानते हैं कि कितने तरह का होता है ये डेंगू। डेंगू तीन तरह का होता है, क्लासिकल यानी साधारण डेंगू, डेंगू हेमरेजिक बुखार, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन तीनों में से दूसरे और तीसरे तरह का डेंगू ज़्यादा खतरनाक होता है। साधारण डेंगू में बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इससे जान जाने का कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को डेंगू हेमरेजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम है और उसका फौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि बुखार साधारण डेंगू है, DHF है या DSS है। डेंगू का मच्छर काटने के एक या दो दिन बाद डेंगू बुखार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डेंगू में बुखार के साथ आंखें लाल हो जाती हैं और खून में कमी होने लगती है। कुछ लोगों को चक्कर आने की वजह से बेहोशी छा जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि डेंगू का बुखार और सामान्य बुखार में अंतर करने का एक सबसे अहम लक्षण माना जाता है और वो है जुकाम। डेंगू होने पर जब बुखार होता है तो बुखार के साथ बदन दर्द भी रहता है, वहीं सामान्य वायरल या बुखार में फीवर के साथ जुकाम आदि भी होता है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को इस मौसम में बुखार के साथ बदन दर्द है और जुकाम नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही प्लेटलेट्स आदि की जाँच करवानी चाहिए। जो लोग बुखार होने पर एक या दो दिन होम मेडिसिन से काम चला रहे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें और बुखार होते ही डॉक्टर से संपर्क करें। अगर जुकाम के साथ फीवर है तो एक दो दिन होम ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोनों बुखार को इग्नोर करना गलत है। अगर साधारण बुखार में भी लापरवाही की जाए तो दिमाग पर चढ़ जाता है और जानलेवा बन सकता है। वहीं डेंगू के बुखार में शरीर में बुखार के साथ ब्लड से प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं, इससे खतरा सामान्य बुखार से कई गुना ज़्यादा होता है। डेंगू में इम्यून काफ़ी वीक हो जाता है और मरीज बेहद कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स कम होने पर ये ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि प्लेटलेट्स और कम ना होने पाए। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वो उस मरीज का खून चूस लेता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है और जब ये डेंगू वायरस वाला मच्छर किसी और इंसान को काटता है तो उसके शरीर में भी ये वायरस पहुँच जाता है, जिससे वो डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। आइए जानते हैं साधारण डेंगू बुखार के लक्षण। ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ जाता है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है जो आँखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती है और जी मचलाता है और मुँह का स्वाद खराब लगता है। गले में हल्का सा दर्द होता है। शरीर, खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होने लगते हैं। क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार करीब 5 से 7 दिन तक रहता है और मरीज ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में इसी किस्म का डेंगू बुखार होता है। डेंगू हेमरेजिक बुखार के लक्षण की बात करें तो नाक और मसूड़ों से खून आना, शौच या उल्टी में खून आना, स्किन पर गहरे नीले काले रंग के छोटे या बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम के लक्षण की बात करें तो इस बुखार में DHF के लक्षणों के साथ साथ शॉक की अवस्था की भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मरीज बहुत बेचैन हो जाता है और तेज बुखार के बावजूद उसकी स्किन ठंडी महसूस होती है। मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है।
मरीज की नाड़ी भी कभी तेज और कभी धीरे चलने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है। डेंगू से कई बार मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी हो जाता है, इसमें सेल्स के अंदर मौजूद फ्लूइड बाहर निकल जाता है, पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है, लंग्स और लीवर पर बुरा असर पड़ता है और ये काम करना बंद कर देते हैं। अगर तेज बुखार हो तो जॉइंट्स में तेज दर्द हो या शरीर पर रैशेज हो तो पहले दिन ही डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर लक्षण नहीं है पर तेज बुखार बना रहता है तो भी एक दो दिन के इंतजार के बाद फिजिशियन के पास जरूर जाएं। शक होने पर डॉक्टर डेंगू की जांच कराएंगे। डेंगू की जांच के लिए शुरुआत में एंटीजन ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डेंगू शुरू में ज़्यादा पॉजिटिव आता है जबकि बाद में धीरे धीरे पॉजिटिविटी कम होने लगती है। ये टेस्ट करीब 1000 से 1500 रुपए में होता है। अगर 3-4 दिन के बाद टेस्ट कराते हैं तो एंटीबॉडी टेस्ट कराना बेहतर होता है, इसके लिए 600 से 1500 रुपए लिए जाते हैं। डेंगू की जांच कराते हुए व्हाइट ब्लड सेल्स का टोटल काउंट और अलग अलग काउंट करा लेना चाहिए। इस टेस्ट में प्लेटलेट्स की संख्या पता चल जाती है। डेंगू के टेस्ट ज़्यादातर सभी अस्पतालों और लैब्स में हो जाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है। अच्छी लैब्स तो 2-3 घंटे में ही रिपोर्ट्स दे देती हैं। ये टेस्ट खाली या भरे पेट कैसे भी कराए जा सकते हैं। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स की भूमिका अहम होती है। आमतौर पर तंदुरुस्त आदमी के शरीर में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स बॉडी की ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो जाएं तो उसकी वजह डेंगू हो सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जिसे डेंगू हो उसकी प्लेटलेट्स नीचे ही जाएं। प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से कम है तो मरीज को फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। अगर प्लेटलेट्स गिरकर 20,000 तक या उससे नीचे पहुँच जाए तो प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। 40 से 50,000 प्लेटलेट्स तक ब्लीडिंग नहीं होती। डेंगू का वायरस आमतौर पर प्लेटलेट्स कम कर देता है जिससे बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, मसलन सुबह 1 लाख थे और दोपहर तक 50 से 60,000 हो गए हैं, तो शाम तक गिरकर 20,000 तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर प्लेटलेट्स का इंतजाम करने लगते हैं ताकि ज़रूरत पड़ते ही मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाए जा सकें। प्लेटलेट्स निकालने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर होता है और वे खुले में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनके प्रति सचेत होने की ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स ध्यान दें कि बच्चे घर से बाहर पूरे कपड़े पहनकर ही निकलें। जहां खेलते हों वहां आसपास गंदा पानी ना जमा हो। स्कूल प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि स्कूलों में मच्छर न पनप पाए। बहुत छोटे बच्चे खुलकर बीमारी के बारे में बता भी नहीं पाते हैं, इसलिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, लगातार सोए जा रहा है, बेचैन हो, उसे तेज बुखार हो, शरीर पर रैशेज हो, उल्टी हो या इनमें से कोई भी लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों को डेंगू हो तो उन्हें अस्पताल में रखकर ही इलाज कराना चाहिए क्योंकि बच्चों में प्लेटलेट्स जल्दी गिरते हैं और उनमें डिहाइड्रेशन भी जल्दी होता है। डेंगू होने पर किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाना चाहिए। बच्चों में डेंगू के लक्षण नजर आए तो उसे पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं। मरीज में DSS या DHF का एक भी लक्षण दिखाई दे तो उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। DSS और DHF बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जिससे शरीर के जरूरी हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। डेंगू बुखार के हर मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ डेंगू हेमरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम बुखार में ही ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। अगर सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो DSS और DHF का पूरा इलाज मुमकिन है। एलोपैथी में इसकी दवाई लक्षण देखकर और प्लेटलेट्स का ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही दी जाती है, लेकिन किसी भी तरह के डेंगू के मरीज के शरीर में पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए। उसे खूब पानी और बाकी तरल पदार्थ देते रहना चाहिए जिससे ब्लड गाढ़ा ना हो और जमे नहीं। साथ ही मरीज को पूरा आराम करना चाहिए। आराम भी डेंगू की दवा ही है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसकी कोई पेटेंट दवा नहीं है, लेकिन डेंगू ना हो इसके लिए ये नुस्खा अपना सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चम्मच गिलोय का रस, अगर इसकी डंडी मिलती है तो 4 इंच की डंडी लें, उस बेल से लें जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हो। 2 काली मिर्च, तुलसी के 5 पत्ते और अदरक को मिलाकर पानी में उबाल कर काढ़ा बनाएं और 5 दिन तक इसे लें। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक या चीनी भी मिला सकते हैं। दिन में 2 बार सुबह नाश्ते के बाद और रात में डिनर से पहले लें। डेंगू से बचने के लिए सावधानी बरतें। ठंडा पानी ना पिएं, मैदा और बासी खाना ना खाएं। खाने में हल्दी, अजवाइन, अदरक, हींग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस मौसम में पत्ते वाली सब्जियाँ, अरवी, फूल गोभी ना खाएं। हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच सके। पूरी नींद ले, खूब पानी पिए और पानी को उबाल कर पिए। मिर्च मसाले और तला हुआ खाना ना खाएं। भूख से कम खाएं, पेट भर ना खाएं। खूब पानी पिए, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी आदि खूब पिए। बीमारी से बचने के लिए फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस रहें।
अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छी नींद लें। नाक के अंदर की तरफ सरसों का तेल लगाकर रखें, इससे तेल की चिकनाहट बाहर से बैक्टीरिया को नाक के अंदर जाने से रोकती है।